स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम अपनी जिंदगी अपना दल। 27 नवंबर को कौसाम्बी गाजियाबाद में अपनी पार्टी कार्यालय के बाहर अपनी जिंदगी अपना दल पार्टी के घोषणा का विमोचन और विभिन्न विधानसभाओं प्रत्याशियों की घोषणा की गई। देखिए हमारे संवाददाता पूजा चौरसिया की ये खास रिपोर्ट। विभिन्न विधानसभाओं व जिलों से आए भारी जनसैलाब ने कार्यक्रम में भाग लिया। ज्योति प्रज्वलन से प्रारंभ हुए कार्यक्रम को माननीय अनिल दत्त राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी ने मंच का इस प्रकार संचालन किया कि वहां उपस्थित सभी महिलाओं व पुरुषों ने जोश पूर्ण तरीके से तालियां बजाकर पूरे कार्यक्रम को सफल बनाया। सभी पदाधिकारी व नव मनोनीत जिला अध्यक्ष प्रत्याशी व आदरणीय सभी सदस्यों व अतिथियों का फूल मालाओं और शॉल पहनाकर स्वागत किया गया। माननीय नवल किशोर सिंह तोमर राष्ट्रीय महासचिव, माननीय चमन सिंह प्रदेश अध्यक्ष, माननीय पंडित नवनीश शर्मा युवा अध्यक्ष व प्रत्याशी विधानसभा साहिबाबाद, माननीय एएस भाटिया तथा अन्य सभी ने अपने अपने विचार रखे। सरजीत सिंह खंडसाल जी ने उत्तर प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि या तो वो अपना काम ठीक से करे या फिर कुर्सी को त्याग दे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार नाम की ही है, जब से अखिलेश यादव कुर्सी पर बैठे हैं तब से ही प्रदेश में गुंडा राज कायम है और ये सरकार ऐसी सरकार है जिसकी अपने कुनबे नहीं संभल रही, और जो अपने कुनबे को नहीं संभाल पा रहा वह उत्तर प्रदेश को क्या संभाल पाएगा। साथ ही उन्होंने मायावती पर निशाना साधा और कहा, बहन जी तो बस जातियों के आधार पर ही राजनीति करती हैं। श्री मुलायम सिंह जी यहाँ पे एक दावा कर रहे, प्रदेश के अंदर एक दावा कर रहे, कभी इसका इस्तीफा लो, बेटा मुख्यमंत्री, भाई कैबिनेट मिनिस्टर, राम गोपाल महाराष्ट्र के महासचिव, तमाम लोग, 22 लोग एक परिवार के, आज 22 लोग एक परिवार के मिनिस्टर हैं। ये कैसी सरकार है? ये सरकार नहीं है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। आप बताइए, बताइयों के अंदर दो लड़कियों को नंगा करके पेड़ पे टांग दिया गया, सारे भाई लोग जानते। उसके बाद बुलंदशहर में जो घटना हुई, अपनी माँ के सामने बेटी का रेप हुआ। आम मायावती के यहाँ जाइए, लखनऊ में कभी जाइए, बुलंदशहर में जाइए, बड़ी बड़ी फार्म हाउस और कोठियां, और कहते हैं दलितों की बेटी है। वो दलितों की बेटी नहीं है, वो माया की बेटी है, उसे माया चाहिए। माया हाजिर होंगे समाचार 24।